गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आफ्टर फोर डेज आई मीटिंग और संडे को मैं आप लोगों को मिली थी एंगेजमेंट वाले व्लॉग में। उसके बाद सब मनाली का ही व्लॉग था, तीन दिन बैक टू बैक चलता गया। इतने अच्छे से मनाली का एंगेजमेंट हो गया, आप सबको व्लॉग इतना पसंद आया, उनका डांस इतना पसंद आया, आप लोग ने तो वीडियो के थ्रू देखा, हम लोग ने तो सामने स्टेज पर उन दोनों को परफॉर्म करते हुए देखा। तो आई कांट टेल यू, इतना सुपर्ब डांस किया मनाली ने और शशांक ने। जो एक्सपेक्ट था, मुझे तो एक्सपेक्टेड था ही मनाली बहुत अच्छा डांस करती है, बट शशांक ने तो बोलते ना एकदम चेरी ऑन द केक कर दिया, बिकॉज मैंने उसको कभी परफॉर्म करते हुए देखा नहीं था। तो एकदम बोलते ना मनाली के लेवल का उसने डांस में, मतलब दोनों ने एक साथ इतना बेस्ट किया, किसी को भी आप बोल नहीं सकते कि ये कम थी या ये कम था, दोनों इतना परफेक्ट और उनकी जोड़ी भी इतनी मस्त लग रही थी ना, एकदम सूट हो रहे थे एक दूसरे को, डांस भी इतना कॉन्फिडेंस से इतने अच्छे से किया आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ प्रेशर, क्योंकि एंगेजमेंट के दिन इतना सुबह से तैयारी चल रहा था, फिर उसको बार बार ये हो रहा था कि स्टेप्स याद रहेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, क्योंकि चार गाना उन लोग ने एक साथ किया। तो हम लोगों को तो ऐसे था एक सॉन्ग पे करेंगे, बट एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा भी हुआ, और चारों सॉन्ग्स इतने अच्छे लिए थे ना, चारों मिक्सिंग सॉन्ग जो लिया उन्होंने सब अच्छा लिया, स्लो फास्ट एकदम, मतलब बहुत इतना एंजॉय किया। फिर उसके इन लॉज के साइड से जिन्होंने परफॉर्म किया, उसके फ्रेंड्स कलीग्स ने परफॉर्म किया, इतना हम लोग ने थरली एंजॉय किया ना मनाली का एंगेजमेंट, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा एंजॉय हो गया, इतना अच्छे से उसका एंगेजमेंट हो गया। आप लोगों को भी मनाली इतनी पसंद आई साड़ी में, क्योंकि आप सब ने आई थिंक फर्स्ट टाइम मनाली को साड़ी में देखा, रुपेश के इसमें भी उसने साड़ी नहीं पहना था, अलग ही अटायर किया था, सिर्फ नववारी पहना था जब शादी के टाइम पे रिसेप्शन पे उसे दूसरा पहना था। तो आप लोगों के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था, इतना से उसका मेकअप हेयर हुआ था, तो शी वॉज़ रियली रियली लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और आप सबको स्पेशली थैंक यू मेरे तरफ से भी और मनाली के तरफ से भी कि इतने सारे आपने उसको विशेज ब्लेसिंग्स भेजे। बहुत सारे जन को तो मनाली ने भी पर्सनली रिप्लाई किया, बट सबको नहीं कर पा रही है वो, क्योंकि वो खुद अभी उसका प्री वेडिंग शूट होगा, फिर शादी का तैयारी करना है, शॉपिंग करना है, तो उसके पास थोड़ा सा टाइम कम है। तो इसके लिए अभी मैं व्लॉग में उसके बिहाफ पे भी आप सबको थैंक यू बोल रही हूँ, जिन्होंने उसको इतने सारे ब्लेसिंग उसको और शशांक को दिया। और एक तो मनाली जादव करके वो तो इतनी खुश थी कि हाँ मेरा नाम भी मनाली है, मेरे हस्बैंड का नाम भी शशांक है, तो सेम मनाली शशांक था, तो उसको इतना अच्छा लगा। तो अच्छा लगता है जब आप मेरे फैमिली वालों को भी इतना दिल से एक्सेप्ट करते हो, हमारे फंक्शन में, हमारे खुशियों में इतने अच्छे से शामिल हो जाते हो, और आप लोग ने थरली इतना एंजॉय किया, सरप्राइज़ था आप लोग सबके लिए, इसके लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना ऐसे सरप्राइज़ देने में ही अच्छा लगता है। अब देखो एंगेजमेंट हो गया, अभी आप लोग को पता है शादी तो होना ही है, तो वो मैं सरप्राइज़ नहीं रखूँगी, जैसे मैंने सुशांत का सरप्राइज़ दिया था उसी तरह से मैंने मनाली का दिया। बट मैनी पीपल गेस्ट के जो मैं बोल रही थी फंक्शन है, और उस दिन मैंने एंगेजमेंट के पहले वाले ब्लॉग में मम्मी ने ही बता दिया था कि हम लोग एंगेजमेंट के लिए जाने वाले, तो बहुत सारे जन ने गेस्ट कर ही लिया था कि मनाली का ही एंगेजमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली मनाली बची और सुशांत बचा था शादी के लिए, सुशांत का तो एंगेजमेंट हो गया, मनाली थी, तो बहुत सारे जन को गेसेस था ही कि मनाली होगी करके। तो येस यू ऑल वर राइट, इट वॉज मनाली। अभी वो आप लोग और मेरा बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया ना, जो एक साल से फॉलो करे वो भी उनको एकदम बोलते ना, मोस्टली सिर्फ हिंट देने की जरूरत होती है, हिंट देती वो पकड़ लेते, समझ जाते कि मैं क्या बोलना चाहती, मेरे फीलिंग्स क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है। तो यस, इट वाज मनाली का एंगेजमेंट का सरप्राइज जो आप लोगों को बहुत पसंद आया, सो थैंक यू फॉर दैट। और आज का डे स्टार्ट हो चुका है, मैंने आप लोग को तीन चार दिन बहुत मिस किया, क्योंकि मैंने व्लॉग नहीं किया। वहाँ से हम लोग निकले, तो हम लोग ने मतलब 15-20 मिनट हो गया था खाना खा के हम लोग फट से निकल गए, बाई कैब हम लोग आए, और आपको पता है मुझे कैब नहीं जमता, मुझे वॉमिट का प्रॉब्लम है, तो घर आके ऑब्वियसली मुझे वो प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद सेकेंड डे में थोड़ा ड्रेन आउट हो गई, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, फिर सब जो कपड़े वपड़े सब धोना था, वो घर थोड़ा साफ करना था, ऐसे करते करते मैं 3 दिन मैंने व्लॉग ही नहीं किया, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया कि आप लोग मनाली का एंगेजमेंट वाला व्लॉग एंजॉय करो, उसके बाद मैं थोड़ा मूड में आके फ्रेश होकर फिर नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। सो टुडे फाइनली आई एम स्टार्टिंग द व्लॉग, और आज के व्लॉग में क्या होने वाला है, आज के व्लॉग में कुछ नहीं है, डे स्टार्ट हो चुका है, सानू को मैंने रेडी किया, अभी हम लोग 15 मिनट बाकी है उसको स्कूल बस के लिए नीचे ड्रॉप करने के लिए, उसका टिफिन रेडी हो गया। एंड येस, आप लोग को अभी 4 से 5 दिन मम्मा व्लॉग में नहीं दिखने वाली, क्योंकि मम्मा गई है नेरुल, निशु छोड़कर आया मम्मा को, क्योंकि मम्मा को कुछ काम था, मम्मा अपने पर्सनल वर्क से गई है, काकी के पास गई है अमूल के यहाँ पे, और अभी वहाँ पे गई है, तो नानी बोली अभी मम्मी आई गई है मेरे पास, तो अभी मैं मम्मी को छोड़ने नहीं वाली हूँ, 8-10 दिन आराम से यहाँ पे रहने दे मम्मी को, मैं उसकी तबीयत भी थोड़ा ठीक करके दे देती हूँ, जो उसको पैर का प्रॉब्लम है, तो कुछ आयुर्वेदिक तेल वेल सब काकी करने वाली है मम्मा को, और थोड़ा उस मम्मा को आजू बाजू में थोड़ा घुमाएगी, गार्डन वगैरह लेके जाएगी, तो शी लाइक यू कीप हर हियर विथ मी, क्योंकि पूरा लॉकडाउन मम्मी नेहरू नहीं जा पाई, तो काकी बोली अब आई है ना मम्मी, तो मैं उसको छोड़ने वाली, वहीं आई है तभी मैं वहीं को छोड़ने नहीं वाली हूँ, मेरे पास रहने दे उसको, थोड़ा मम्मी को भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा मुझे भी बेटर फील हो जाएगा, तो इसके लिए मम्मी वहाँ पे रुकी हुई है, और
मतलब अभी चार पाँच मतलब पता नहीं कितने दिन रहने वाली, जब भी मम्मा को आना होगा मम्मा विल कम बैक, उनको कोई फोर्स नहीं है. सो यस, थोड़ा दिन आप मम्मा को मिस करोगे बट शी विल कम बैक सून. एंड यस, लेट्स स्टार्ट द डे, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. सो सानो का टिफिन हो गया रेडी, चपाती, एक ही चपाती खाते हो, ये बटाटे का कासरा, लेकिन आज मैंने उसको लंबा लंबा कट किया है और तवे पे बनाया, कढ़ाई में नहीं बना. और उसको थोड़ा वाटरमेलन दिया क्योंकि कब से बोल रही थी मम्मा मुझे वाटरमेलन चाहिए वाटरमेलन चाहिए. और थोड़ा सा जूस दिया, मतलब टैंक दिया उसको दूसरे बॉटल में भर के. तो ये सानू का हो गया टिफ़िन रेडी और हम लोग चले नीचे. सानू के स्कूल से छूटने का टाइम हो गया, अभी शायद वो बस में ही होगी, तो इसलिए थोड़ा 15 मिनट पहले ही चली जाती हूँ क्योंकि आते वक्त बस कभी भी जल्दी आती है. जाने का टाइम तो हम लोग अच्छे से समझ गए. और अभी मेरे लाइफ में चेंजेस आ चुका है, आप लोगों को टाइटल से तो समझ में आ ही गया होगा. यस, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ा क्योंकि सब ना एक साथ हो गया था. अभी मनाली के एंगेजमेंट के लिए मम्मी वेनसडे एक हफ्ते पहले ही जाने वाली थी, फिर वहाँ से नेरुल जाने का प्लान था, वहाँ पे मम्मा एक हफ्ता रहने वाली थी. तो मैंने कहा इतने दिन का फिर मेरा जुम्बा क्लास का ब्रेक हो जाएगा. और दिव्या भी नहीं है, दिव्या केरला गई है, नीला जी भी नहीं है, उनके बेटे का एग्ज़ाम्स था तो उन्होंने छुट्टी लिया, फिर वो भी अभी गाँव जाने वाली है. मैं अभी सानू को छुट्टी गिरेगा, फिर मैं भी थोड़े दिन के लिए मम्मी के पास जाऊंगी. तो ऐसे बहुत सारे गैप्स होने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि फिर मैं भी थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ जुम्बा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हेक्टिक हो रहा था सब चीज़ मैनेज करने के लिए. सानू का स्कूल, स्पेशली सानू का स्कूल स्टार्ट हो गया है ना, तो सुबह का उसका ट्यूशन के लिए उसको उठाओ तो वो बहुत एक घाई हो जाता है. सुबह उसको उठा के रेडी करके ट्यूशन भेजो, फिर वहाँ से आने के बाद उसका टिफ़िन का तैयारी करो, उसको तैयार करो, तो थोड़ा ना ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था. इमिटेशन ज्वेलरी का भी मेरे को थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक जा रहा है क्योंकि इतने सारे स्टॉक रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, फ़ोटोज़ मांगते हैं, व्हाट्सअप पे सब कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, प्लस मम्मी अभी नहीं है तो सब संभालना पड़ रहा है. जैसे पूजा हो गया, नहीं तो मम्मी पूजा कर लेती थी, रात का भाकरी बना लेती थी, तो ऐसे सब चीज़ को कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है. वैसे तो 6 महीना हो गया था मैं कंटिन्यूस कर ही रही थी, और आप लोगों को पता है मुझे जुम्बा कितना पसंद है, तो अभी मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ. अभी लास्ट 1 वीक से मैं नहीं जा रही हूँ, आप लोग ने भी देखा ब्लॉग में, मैंने आप लोग को कभी दिखाया नहीं कि मैं क्लास में हूँ या क्लास के बाहर हूँ. तो आई एम रियली रियली मिसिंग माई जुम्बा क्लास, बट क्या कर सकते, कभी कभी लाइफ में आपको ऐसे ना कुछ थोड़े हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है. बट इट्स जस्ट अ ब्रेक फॉर सम टाइम, मतलब मे बी मे जून अप्रैल में जून से आई विल रिज्यूम बैक व्हेन दिव्या विल कम बैक, तो हम लोग वापस सब एक साथ आ जाएंगे. तो वो साथ में क्लास करने में बहुत मज़ा आता है अकेले सिंगल, अभी क्योंकि ये वाले बैच में अभी हम लोग 2 जनी है, उसमें भी सबीना का रोज़ा रमज़ान था तो वो सुबह आती थी, रेचल अकेली और मैं थी, कभी कभी रेचल नहीं आ पाती थी, कभी मैं नहीं जा पाती थी, मेरे को अकेले बोरिंग हो जाता है, उससे अच्छा थोड़ा एक ब्रेक ले लेते, मेरे लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा. बट आई एम रियली मिसिंग माई जुम्बा क्योंकि वो डांस करना, जो सॉन्ग पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी आधे में ही रुक गया है. आई डोंट नो अभी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या जब सब जन आएंगे तब मैम उसको वापस कंटिन्यू करेगी, वो तो अभी मैं कभी जाऊँगी क्लास तो मुझे पता चलेगा. तो इसके लिए यस, मैंने ऐसा डिसीजन लिया, लेना पड़ता है कभी कभी. आप जब घर संभालते हो, फैमिली संभालते हो, बच्चों को संभालना हो, आपका जॉब, मतलब जैसे मेरा इमिटेशन ज्वेलरी एक जॉब है, यूट्यूब एक जॉब है, सब चीज़ संभाल के अगर आपको कभी कुछ उसमें से चूज़ करना पड़े तो एक आध चीज़ आपको थोड़ा छोड़ देना पड़ता है. तो इसके लिए मैंने जब सब चीज़ पे सोचा तो मेरे लिए जुम्बा ही एक ऑप्शन था जो अभी के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि अगर दिव्या ही लोग सब होते तो भी मैं मैनेज कर लेती. अभी मम्मा नहीं है तो सानू को स्कूल से आने के बाद फ्रेश कराना पड़ता है, मतलब पूरा निलाना पड़ता है, वो इतनी गर्मी से बस में से पूरा भीग कर आती है, फिर उसको नाश्ता कराओ, गार्डन लेके जाना पड़ता है क्योंकि अब उसको रोज़ गार्डन आना है, क्योंकि मिताली की मम्मी भी पहले लेके जाती थी, लेकिन मिताली लोग का भी स्कूल स्टार्ट हो गया तो उनके भी बसेस के टाइमिंग सब चेंजेस हो गए, तो वो लोग भी अलग टाइम पे जाते, तो अभी मुझे स्पेशली सानू को लेके जाना पड़ता है 6 बजे से 7 बजे तक, 7:30 तक गार्डन, तो इसलिए सानू को भी थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है. उसका स्कूल से होमवर्क आ जाता है, फिर क्या आता है आर्ट क्राफ्ट का कुछ ना कुछ एक्टिविटी आता है तो वो सब करवाना पड़ता है, सानू के साथ 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठना पड़ता है पढ़ाने के लिए. तो इसके लिए जब सब चीज़ ओवरऑल सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि चलो ठीक है मैं जुम्बा को थोड़ा 1-1.5 महीने का ब्रेक दे देती हूँ, जब हर चीज़ सेटल हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा कि सानू का भी जून से पूरा फुल फ्लेजेड चालू हो जाएगा स्कूल 12:30 से लेके 6 बजे तक, तो उसका फिर उस टाइम के हिसाब से मैं मेरा जुम्बा टाइम एडजस्ट कर लूँगी. तो यस, अभी थोड़े टाइम के लिए मैंने ब्रेक ले लिया है, बट आई एम रियली मिसिंग माई जुम्बा क्लास. तो ये रही सानू, सुनो आपको नानू स्कूल का चल रहा है मस्त बरं वाटतं स्कूल मध्ये बस मधनं जायला यायला एन्जॉयिंग. अभी ट्यूशन से आ गई है, अभी उसको मैं गार्डन लेके जा रही हूँ. सानू को 5:30 मैंने ट्यूशन छोड़ा और डैडी को बोला 7:30 उसको लेके आना, और मैं खुद अभी 7:30 मार्केट से आई, एंड आई फील लाइक अ सेलिब्रिटी नाउ.
क्योंकि मुझे इतनी स्वीट सब्सक्राइबर मिली, आई थिंक स्मिता ही नाम था उनका, स्मिता करके, इतनी स्वीट। एक्चुअली मैं मार्केट का पूरा काम खत्म करके मुझे गरम गरम जो परेश का वड़ा पाव है ना, स्टेशन के पास नया खुला है, अब चल आप से बहुत जन जानते होंगे, तो मैंने सोचा अभी गरम गरम बन रहा है तो मैं डैडी के लिए, मेरे लिए और सानू के लिए लेके जाती हूँ। तो आई वॉज जस्ट टेकिंग दैट पार्सल और उतने में सामने से, वो मेरे एक्चुअली पीछे ही खड़ी थी और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको तो ऑब्वियसली देखा नहीं, मैं तो उनको पहचानती भी नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दिया और इतना मतलब वो इतनी खुश थी कि जैसे कौन से पता नहीं कौन से सेलिब्रिटी को देख लिया हो, क्या हो गया होगा, इतनी खुश। मेरे को बोलती आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैं कब से विरार पूरा घूम रही थी बाइक पे हस्बैंड के साथ कि आपका बिल्डिंग कहाँ है कहाँ, बिकॉज आई हैव नॉट शेयर्ड माई एड्रेस ड्यू टू पर्सनल रीजन, लेकिन वो मतलब ना बिल्डिंग को देख के बार बार यही कोशिश कर रही थी कि कहीं मिल जाए। मेरे को बोल रही थी, उन्होंने मेरे साथ सेल्फी भी निकाला, मैंने एक वीडियो भी निकाला, मैंने उनको पूछा आप बोलोगे क्या, बट वो इतनी बोलते थे हाँ स्पीचलेस हो गई थी कि उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। तो मैंने सिर्फ एक वीडियो निकाला और फोटो निकाला, सेल्फी उनके साथ निकाला, 10 मिनट हम लोग ने बातें की, शी वॉज सो हैप्पी, मतलब उनके पास उतना वर्ड्स नहीं था टू एक्सप्रेस कि फाइनली शी मेट मी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, दैट यू व्लॉग वेरी नाइस, योर फैमिली इज़ वेरी नाइस, जो आप दिखाते हो एकदम नेचुरली। अब ये देखो सानू मुझे आगे बोलने ही नहीं दे रही है, तो अभी हम लोग गार्डन जाके आते फिर आगे का बात करते हैं। तो हाय करा, सो वी आर बैक फ्रॉम द गार्डन और मस्त अभी फ्रेश ठंडा वाटरमेलन जूस बनाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने वाटरमेलन जूस नहीं बनाया था, तो अभी मैं फाइनली आज वाटरमेलन जूस बनाने वाली हूँ मेरे लिए, डैडी के लिए और सानू के लिए। मम्मा ने ये मम्मा वहाँ इन्जॉय कर रही है, हम लोग यहाँ इन्जॉय कर रहे हैं। जहाँ पर भी रहो इन्जॉय करना चाहिए, फेस पे हमेशा स्माइल रहना चाहिए। एंड सच में मुझे अभी स्मिता का मैसेज भी आया था कि इतना अच्छा लगा आपसे मिलके, ऐसा लगा ही नहीं कि फ़र्स्ट टाइम आपसे मिली हूँ, और आपका नेचर इतना अच्छा है, आप में बिल्कुल भी ईगो नहीं, एटीट्यूड नहीं है, इतने अच्छे से आपने बात किया। उन्होंने एक्चुअली मुझे जाते वक्त ना हग भी किया, तो मेरे गाल से गाल टच किया ना, तो मेरे को बाद में उन्होंने यहाँ पे पोच भी दिया, बोलते अरे मेरा पसीना लग गया आपको, तो मैंने कहा कोई बात नहीं चलता है, इतना तो चलता ही है। और शी वॉज सो स्वीट, और सच में मैं किसी से भी मिलती हूँ ना मुझे टाइम नहीं लगता है बॉन्ड बनाने के लिए, बहुत कम जन ऐसे होते हैं जिनके साथ मेरा नहीं बन पाता है, बट बहुत सारे 90% तो ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं फर्स्ट टाइम मिलती हूँ उनके साथ मेरा अच्छा सा रैपो बन जाता है। और भले मेरे लिए आप न्यू हो, मैं आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन आप लोग जब मुझे मिलके मुझे एक्नॉलेज करते हो इशिता साने यूट्यूबर मैं आपकी फ़ैन हूँ ये हूँ, तो उससे वो बॉन्ड अपने आप बन जाता है, क्योंकि आप लोग मुझे इतने टाइम से देख रहे हो, मेरे लाइफ को फॉलो कर रहे हो, तो आप सब बोलना स्टार्ट कर देते हो हाँ सुशांत ऐसा, मैंने उसका ये देखा, एंगेजमेंट देखा, मम्मी इतने अच्छे से बोलती है, रेसिपी दिखा रही, तो ऑटोमेटिकली वो बॉन्ड बन ही जाता है, बनाना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग को सब अभी इन एंड आउट सब मालूम ही पड़ गया। अभी वो मुझे मिली तो बोली मनाली का एंगेजमेंट का ब्लॉग देखा, इतने अच्छे से हो गया। अभी नीचे भी मैं सानू को लेके ऊपर आ रही थी, तो हमारे नीचे के फ्लोर वाली है ना सरोज जी, उन्होंने भी मुझे बोला कि हाँ मनाली का एंगेजमेंट का व्लॉग देखा। तो आप लोग के पास मेरे साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि आप लोग व्लॉग देखते हो, बट मैं आप लोग का लाइफस्टाइल नहीं जानती हूँ, नहीं देखती हूँ, फिर भी वो इतने अच्छे से बॉन्ड बन जाता है ना, तो ये एक कनेक्शन है। और मेन प्लस पॉइंट ये मेरा नेचर है ही इतना अच्छा कि मैं आई ऑलवेज कीप स्माइलिंग, आई लव टॉकिंग टू पीपल, इंटरेक्टिंग टू पीपल, नए लोगों से मिलना, बातें करना, भले आज के डेट में मैं घर पे हूँ, लेकिन घर बैठे बैठे भी मैंने इतने लोगों के साथ मेरा रैपो बना दिया, रिलेशन बना दिया, कि एक जॉब पे होती तो शायद तभी भी मैं इतना नहीं बना पाती जो मेरा यूट्यूब से और इमिटेशन ज्वेलरी से हो गया। एंड प्लस अभी इमिटेशन ज्वेलरी से और ज़्यादा हो गया, आपको पता है मेरे सोसाइटी में से भी कितने सारे जन हैं जो अभी वो व्हाट्सअप नंबर सेव करके पर्सनली टच में है, जैसे रेशमा जी है सामने वाले विंग में, उनको वो मेरे सब्सक्राइबर थे, मैं उनको कभी मिली नहीं, उन्होंने मुझे बहुत बार नीचे सोसाइटी में भी देखा है लेकिन मैंने उनको कभी पहचाना नहीं, तो उन्होंने ज्वेलरी के थ्रू मुझे मैसेज किया, मैं उनके घर पे गई 2-3 बार और वहाँ से हमारे कभी एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन स्टार्ट हो गया। वियाना की मम्मी है, दिव्या है, इतने सारे जन, सरोज जी है नीचे वाली, इतने सारे जन अभी मुझे मेरे सोसाइटी से ही मिल गए ना, कि पहले मैं किसी को भी जानती नहीं थी, सोसाइटी में सबके लिए न्यू था, बट अभी ये इमिटेशन ज्वेलरी हैज एडिड सो मच इन टू माई लाइफ, और इसलिए मुझे ये सब करने में अच्छा लगता है, बिकॉज ये मुझे लोगों से जुड़ा रहा है और मेरी लाइफ में लोग ऐड हो रहे हैं और अच्छा लगता है, तो ऐसे ही बस ये बढ़ता रहे हमारा। और अभी फटाफट हम बनाते वाटरमेलन तो ये मैंने सब वाटरमेलन, आधा वाटरमेलन तो सुबह ही खत्म हो गया था, सानू को खाने के लिए दिया, टिफिन में दिया, और मेरे और निशु ने खाया था, अभी आधा बचा है, इसका मैं जूस बनाऊंगी जो मेरे लिए, डैडी और सानू के लिए, तीनों के लिए हो जाएगा। तो मैंने सब बीज निकाल दिया, किसी में भी बीज नहीं है। अभी मम्मी होती ना तो ये काम मम्मी का होता है, मम्मा आराम से नीचे बैठ के सारे फ्रूट्स कट करके देती है, तो आज मैंने मम्मा को मिस किया। ऐसे होते ना छोटे छोटे चीज़ों में जब आपको वैल्यू समझ में आता है अपनों का,
जब अपने नहीं होते घर पे तब आपको उनका, ऐसे भी मेरे को मम्मा का तो वैल्यू है, आपने इतने बार मेरे ब्लॉग में देखा है, बट जैसे भाकरी बनाना हो गया, भाजी साफ करना हो गया, फ्रूट्स कट करना हो, सानू का हिंदी का होमवर्क लेना हो, तो ये सब जब आता है तो मुझे मम्मा इतनी याद आती है। बट एन आई फील इट्स ओके, शी इज गॉन फॉर सम डेज, अभी तो क्या 8-6 दिन में मम्मा आ ही जाएगी, सो इट्स ओके, उतना टाइम निकाल लेने का, उसके बाद तो मम्मा आने ही वाली है। तो अभी फ्रेश वाटरमेलन जूस बना के लेते, और जूस बनाना है सानू मैडम को, ये देखो खड़ी भी हो गई टेबल लेके। ये जार अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोग लेकर आए थे वो ड्राई फ्रूट वाले के साथ, हम लोगों को गिफ्ट मिला था, तो आज फाइनली, इससे पहले भी मैं एक दो बार आई थी यूज़ कर चुकी हूँ, आज मुझे याद है वाटरमेलन जूस बनाना है तो जार निकालते। अब वाटरमेलन था ही आधा, तो अभी ये पूरा भरा नहीं है, बट सानू के लिए इतना फिर भी सफिशियंट है, वो इतना भर के तो पी भी नहीं पाई, मेरे लिए और डैडी के लिए भी मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल दिया है। सो हेल्दी होम मेड वाटरमेलन जूस इज रेडी फॉर सानू टू एन्जॉय, नाउ शी कांट वेट। एन्जॉय, कैसे है? मस्त है ना, गो एन्जॉय। तो फाइनली व्लॉग यहाँ पे होता है एंड, शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल व्लॉग हो गया आज का। लेट्स अभी कल का व्लॉग कैसे बनता है, आज का व्लॉग तो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू। सानू है बाबा के रूम में, वो जब आएगी तब आएगी, अभी मुझे इसका एडिटिंग भी करना है इसलिए मैं उसको नहीं बुला रही हूँ, थोड़ी देर के बाद बुलाऊंगी, पहले मेरा एडिटिंग खत्म हो जाए उसके बाद उसको बुला के फिर उसको चेंज करा के सुलाऊंगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोग को कल के व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू।